हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज का जो अपना ये टॉपिक है और आज का जो ये अपना मुद्दा है वो ये है कि मॉक टेस्ट जो है कैसे लगाना होता है, मॉक टेस्ट जो है हम लोग कब लगा सकते हैं और मॉक टेस्ट क्यों लगाया जाता है। बहुत सारे आपके मन में भी जो है ये इस टाइप की जो है दिमाग में आप लोगों के तरह तरह चीज़ें जो हैं आती होती हैं कि मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट हम लोग क्यों लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या मॉक टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग कंप्लीट आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आखिर मॉक टेस्ट जो है लगाना क्यों ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम से पहले। तो मैं दोस्तों एक पार्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, और क्या आप कह भी सकते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर एग्ज़ाम हो। जैसे कि मैं आप लोगों को NTSC के बारे में ही बता देता हूँ, ठीक है, कि NTSC के लिए हमें मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, NTSC के लिए जो है हमें मॉक टेस्ट देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और मॉक टेस्ट क्यों लगाना चाहिए या मॉक टेस्ट हम लोग क्यों लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मॉक टेस्ट जो है होता क्या है, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉक टेस्ट हमें सबसे पहले तो मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस का एक जो है निचोड़ निकलता है। जैसा कि मैं अगर बात करूं कि अगर आप NTSC की एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने पूरा मैट का जो है पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, आपने मैट को जो है पूरा चैप्टर वाइज आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको क्या देना चाहिए, अब आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब इस मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट में मेरे दोस्त ये होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, और उस मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आखिर जो मैंने चैप्टर किया था और जो मैंने प्रैक्टिस किया था उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस जो मैंने ट्रिक वहाँ पर यूज़ की थी क्या इस मॉक टेस्ट में ट्रिक जो है यूज़ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो पहला बात हो गया कि मॉक टेस्ट जो है होता क्या है, आपको मैंने बता दिया कि किसी भी पार्टिकुलर किसी भी एग्जाम को देने के लिए देने एग्जाम से पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है, और ये मॉक टेस्ट आप कभी भी लगा सकते हो। ये नहीं है कि मैं संडे को ही लगाऊंगा, मैं सैटरडे को ही लगाऊंगा। आप पूरे वीक जो है अपना प्रिपरेशन कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, और वीक के एंड में आप एक अपना मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। अब ये मॉक टेस्ट जो है क्यों लगाएं, मॉक टेस्ट लगाने से आपको क्या क्या फायदे हैं, मॉक टेस्ट आखिर क्यों लगाने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मॉक टेस्ट लगाने के क्या सबसे महत्वपूर्ण जो है जानकारी या महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो क्या है, तो सबसे पहले अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपको आपकी एक्यूरेसी के बारे में पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन को किस एक्यूरेसी से किया है, आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपको वहां पे आपके वीकनेस का भी पता चलेगा कि आपकी जो वीकनेस है वो क्या है। सपोज डेट कि मैं मैट का एक मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मॉक टेस्ट मैं लगाते लगाते गया, कुछ क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, सपोज डेट कि 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो उस 5 क्वेश्चन को आपने देखना है। एक्यूरेसी का मतलब कि आप जो है चीज़ों को देखिए, वीकनेस का मतलब कि आप जो है जो चीज़ आपने गलत किया उस चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए और उस चीज़ को आपको फिर से दोबारा करना है। ये नहीं कि मेरे को पता चल गया कि जो है मेरे से एनालॉजी के टॉपिक नहीं बन रहे हैं, मेरे से एनालॉजी के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, एनालॉजी को फिर से उठाना है और एनालॉजी के जितने भी टाइप बनते हैं सारे टाइप को फिर से लगा देना है। समझ में आ गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको आपके स्पीड को जो है बूस्टर करने में मदद मिलेगी। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने स्पीड से मैं मॉक टेस्ट करूंगा, ताकि मेरे 100 क्वेश्चन हैं और मेरे NTSC में 100 क्वेश्चन आते हैं, मुझे 90 मिनट का टाइम मिलता है, तो उस 90 मिनट के अंदर अंदर मैं कितने क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ, तो इसको भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा आपके मॉक टेस्ट से। और सबसे चौथी बात जो है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है कि लेबल। ये क्या लेबल है, कि लेबल का मतलब क्या है कि आप जो किसी एक मॉक टेस्ट को लगा रहे हैं उसमें लगाने के बाद आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आपने 100 क्वेश्चन का लगाया है तो आपके 90 नंबर आ रहे हैं, तो 10 नंबर जो मेरे कट रहे हैं वो कहाँ से कट रहे हैं, वो कौन से टॉपिक से कट रहे हैं, तो उस टॉपिक को फिर से आपको दोबारा करना है। टॉपिक को उठाइए, फिर से टॉपिक को लगा जाइए और टॉपिक को फिर से रिवीजन करना जो है चालू कर दीजिए। समझ में आ गया। अब सबसे बात यह है कि मॉक टेस्ट कब लगाएं, है ना, मॉक टेस्ट जो है भैया कब लगाना है, कब लगाएं। तो देखो, मॉक टेस्ट के लिए एक टाइम आपको जो है फिक्स करना पड़ेगा। अब ये कौन सा टाइम होगा, मैं आपको अगर एज अ आपके टीचर या एज अ आपका ब्रदर अगर मैं आपको सजेशन करूं, तो मॉक टेस्ट का जो सही टाइम होता है ना, सही टाइम अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट जो टाइम होता है कि मॉक टेस्ट हमें कब लगाने चाहिए, तो मॉक टेस्ट आपको उसी समय लगाना चाहिए जिस समय आपका एग्जाम का टाइम हो। समझ में आ रहा है। एग्जाम का टाइम का मतलब क्या है कि मान के चलो कि आप NTSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो NTSC का जो टाइमिंग होता है कि 10 से लेके जो है 12
या 10 से 11:30 या 12 जो भी हो, ये आपका जो है मैट का यहाँ पे आपका टेस्ट होने वाला है। तो आप उस टाइम को ही नोट कर लीजिए, उस टाइम को ही प्रॉपर देखिए कि मुझे 10 बजे से लेके 12 बजे तक मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप डेली लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपने सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप डेली भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। डेली हैबिट बना लीजिए कि मेरे को एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। आप टाइम जरूर फिक्स करें, ये नहीं कि जब मन उठे तब मन किया तब मन जो है लगा दिया मॉक टेस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक प्रॉपर टाइम बनाएं, और मेरे अकॉर्डिंग आप लोग टाइम कौन सा बनाओगे, जब आपका एग्जाम हो। जैसे कि 10 बजे से मेरा एग्जाम चालू होगा, मेंटल एबिलिटी 10 बजे से लेके 12 बजे तक होगा, दूसरा जो मेरा एग्जाम होगा वो 2 बजे से लेके 4 बजे तक होगा। तो इसी टाइम को आप लोगों को क्या करना है, फिक्स करना है, और इसी टाइम को आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए ना सर, कि आप तो बता रहे कि इसी टाइम लगाओ, लेकिन क्यों लगाएं? सपोज डेट कि आपका संडे को एग्जाम है ना, आपका क्या है संडे को एग्जाम है, आपका एग्जाम 10 बजे से है, ठीक है। एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट अ मॉक टेस्ट, ये मैं आपके एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि आप एनटीएससी का एग्जाम देने गए हैं, 10 बजे आपका जो है एग्जाम है, और आपने डेली जो प्रैक्टिस कर रखा है, डेली जो आपने प्रैक्टिस किया है मॉक टेस्ट का, वो कितने बजे आप कर रहे हैं, आप लगा रहे हैं 12 बजे 1 बजे या 2 से 3 लगा रहे हैं या 5 से 6 लगा रहे हैं, तो ये जो अलग अलग टाइमिंग है ना, आपको एक्यूरेट पता नहीं चलेगा कि मेरे को कौन सा प्रॉपर टाइम जो है सही है। अगर आपका संडे को एग्जाम है, अगर आपने डेली 10 बजे आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना रोजाना कि 10 बजे मेरे को मॉक टेस्ट लगाना है, तो आपको क्या होगा, ये हैबिट बन जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगा, यानी अचानक से जब आप एनटीएससी का एग्जाम देने बैठोगे ना, तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, क्योंकि आप तो आपको पता है कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक यार मैं डेली मॉक टेस्ट लगाता हूं, तो आज कौन सी नई बात है, आज जो है मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, आज जो है मेरे लिए कोई जो है वो नहीं है, हेजिटेशन फील होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं तो डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं 10 बजे। तो आप 10 बजे एक टाइम प्रॉपर फिक्स करो, मैं 10 बजे का नहीं बता रहा हूं, आप एक बार अपना टाइम टेबल निकाल लीजिए कि कितने बजे एग्जाम होता है, एग्जैक्ट उसी बजे जो है उसी टाइम जो है अपना मॉक टेस्ट दें, और डेली लगाएं मॉक टेस्ट, जितना भी हो सके 50 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 50 क्वेश्चन ही लगाएं, अगर आप 100 क्वेश्चन की कैपेसिटी रखते हैं कि मेरे को कोई काम नहीं है उस समय, और तो आप जरूर लगा दें। अब देखो मॉक टेस्ट देते समय क्या क्या चीजों की जो है ध्यान रखनी चाहिए, देखो मॉक टेस्ट देते समय क्या क्या चीजों को नहीं करना है, आप यहां से कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट देते समय नहीं करना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर जा रहा है, अगर कैलकुलेटर का यूज हो रहा है आपके एग्जाम में, तो कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप कैलकुलेटर लेके मॉक टेस्ट ना लगाएं। मोबाइल तो बिल्कुल लेके बैठना ही नहीं है आपको, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको मोबाइल लेके नहीं बैठना है, मोबाइल को दूर फेंक दीजिए कहीं स्विच ऑफ करके। आपको क्या लिखना है, अपने पास एक जो है प्रॉपर पेन रखिए, एक जो है अपने पास प्रॉपर कॉपी रखिए, और जिससे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन दे रहे हैं, अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो यूज उसी का कीजिए, मोबाइल भी है तो मोबाइल को जब आप मॉक टेस्ट देने जाए ना, तो सारा मोबाइल को जो है साइलेंट वाइलेंट कर दे, जितने भी नोटिफिकेशन है सारे को ऑफ कर दे, उसके बाद प्रॉपर दें। आप जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं रहेगा, मॉक टेस्ट देते समय क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी नोटिफिकेशन आया, चल भाई देख लेते किसका नोटिफिकेशन आया, पढ़ लिया, फिर क्या होता है माइंड इधर उधर हो जाता है। तो प्रॉपर लगाएं, एकदम पूरी अपनी ईमानदारी से दें, जैसा कि आपको लगे कि भैया मैं जो है अब एनटीएससी का एग्जाम में बैठा हूं। अगर आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं तो आपको पता है ना कि मेरे अगल बगल भी नहीं देखना अलाउ होता है, मुझे किसी से बात करना भी अलाउ नहीं होता है, फोन तो खैर अलाउ होता ही नहीं है, तो आप वैसे ही दें, डेली प्रैक्टिस करें और डेली मॉक टेस्ट जरूर लगाएं भाई, है ना। एक एक मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस जो है बनी रह जाएगी, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों को अभी बना रहा हूँ, हो सके तो आपका फरवरी में एग्जाम हो जाए, तो इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करना मेरे दोस्त, है ना। जितने भी मेरे एनटीएससी एस्पिरेंट हैं, जितने भी मेरे एनटीएससी देने वाले भाई बहन हैं, आपको इस चीज़ को ज़रूर जो है फॉलो करना है, इन सारे चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, यकीन मानिए आपको बहुत जो है हेल्पफुल भी मिलेगा, और आपको बहुत जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से पता भी चलेगा, अपने बारे में खुद को पता चल जाएगा कि मैं अगर 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगा रहा हूँ तो मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या उन नंबरों से मेरा एनटीएससी क्लियर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि एनएफ है भाई मेरे 95+ हर एक मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, तो आपको अलग चीजें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब अलग कहने का मतलब क्या है कि फिर से नया कुछ नहीं पढ़ने का जरूरत है। अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं,
60 नंबर आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपको घबराना नहीं है कि 50 नंबर आ गए अब तो क्या होगा, मेरा नहीं होगा एनटीएससी, क्या 50 नंबर आ रहे हैं यार मैं ये होगा, लेकिन आपको ये 50 नंबर आए हैं कल आप उस पर ये नहीं क्या मॉक टेस्ट दे दीजिए, मॉक टेस्ट देने के बाद मौज मस्ती में लग जाइए, क्लास छोड़ दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और उसके बाद उस मॉक टेस्ट का एनालाइज भी कीजिए कि मेरे कितने सही हैं, मेरे कितने गलत हैं, जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, मेरे कितने गलत हो रहे हैं, मैंने कितने टाइम में मेरे को करना चाहिए, आपका टाइम कितना है, ये सारी चीज़ों को देखे, मॉक टेस्ट दे 2 घंटे का, 2 घंटे के बाद 1 घंटे उस मॉक टेस्ट पर भी लगाए कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, मेरे को और क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है तो ज़रूर आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। और मुझे नहीं लगता है कि जो भी बच्चे इस बार एनटीएससी देने वाले हैं और अभी जो इनका एनटीएससी एग्ज़ाम होने वाला है उनका सिलेबस कंप्लीट ना हो, भाई सबके सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुके हैं, तो आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दें और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं भाई, डेली अपना जो जिस समय आपका एग्ज़ाम होगा उस समय जो है डेली टेस्ट देना है, और एग्ज़ाम का समय जो है इसको नोट कर लेना है, एग्ज़ाम का टाइम जो है वो क्या है उसी टाइम पे मॉक टेस्ट लगाना है ना। आप देखो 10 दिन देखो 15 दिन देके देखो, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा ना उस दिन आप जब जाओगे एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना तो यकीन मानो ना आपको अंदर से जो एक डर होता है ना वो डर नहीं लगेगा। आपको तो पता है कि भैया मैं तो रोज़ 10 बजे जो है मैं टेस्ट लगाता ही हूँ, तो आज कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, बस आपने जो किया है पीछे उसको गलती को नहीं दोहराना है, ठीक है भाई। तो ज़रूर आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा और ज़रूर जो है आप भी एनटीएससी में अच्छा स्कोर करके लाओगे, तो मॉक टेस्ट ज़रूर दें, डेली मॉक टेस्ट दें, सिलेबस जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है कहीं से भी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। अब ये मैं आपका सेल्फ स्टडी के लिए मॉक टेस्ट कह रहा हूँ, अब ये नहीं है कि कोई मॉक टेस्ट कहीं पे चल रहा है, मान के चलो कि कोई बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, मेरा खुद का मॉक टेस्ट चलता है, एक सुबह रात के 8 बजे चलता है और एक प्लस के प्लेटफॉर्म पे चलता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको अपने सेल्फ स्टडी का टाइम बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी में आपको कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है। जैसे मेरी क्लास चल रही है मैं भी वहाँ पे मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, मैं उसका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ कि इस तरीके से हो रहा है, बट आप जब सेल्फ स्टडी वाला मॉक टेस्ट दोगे ना तो उसमें आपको सॉल्यूशन बताने वाला कोई नहीं रहेगा, खुद से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अरे चीज मैंने गलती की है तो गलती की है तो कहां की है, ठीक है भाई समझ में आ रहा है ना। तो आपको अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है और सेल्फ मॉक टेस्ट जरूर दे भाई, अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, आपको एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाना है तो मॉक टेस्ट जरूर दें और डेली मॉक टेस्ट दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों के लिए आपको लगता है कि मेरे लिए यूजफुल हो सकता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट आपको अभी से ही एग्जाम के लिए, और पूरा जी जान लगा दीजिए अपने एग्जाम के लिए ताकि आपका जब भी एग्जाम हो आप बेहतर करके आओ और वहां पे अपना स्कोर अच्छा करके लाओ।